हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वर वाचिंग अवर लाइफस्टाइल एंड किचन। आई होप आप लोग सब बहुत ही अच्छे होंगे। एंड अभी टाइम हुआ है 10:30 टाइम हुआ है, तो आज मैंने सुबह सुबह उठ के सारे सारे काम भी कर लिया है। तब बहुत जल्दी उठ गई थी, 5 o'clock से मैंने आज उठ गई थी। सो मैंने सारे सारे काम खत्म कर लिया है एंड ब्रेकफास्ट भी बना के मैंने पोहा बनाया था। ब्रेकफास्ट में पोहा बनाया था तो वो भी खा लिया है बना के। एंड मेरा हस्बैंड वो अभी नहा के वो खाएंगे बाद में, क्योंकि मुझे मेडिसिन भी लेना है। तो बहुत जोर से लग रहा था, बहुत जल्दी उठ गई थी, इस वजह से मैंने मेडिसिन खाने के बाद मेडिसिन भी ले लिया है। एंड थोड़ा सा जूस पी लेती हूँ एंड वो जूस पी लिया है। एंड मैंने तो सारे के सारे काम खत्म कर लिया है। एंड उसके बाद मैंने सोचा कि बहुत दिन हो गया वीडियो वगैरह नहीं शूट कर पाई थी, तो थोड़ा वीडियो स्टार्ट कर दूंगी, इस वजह से मैंने ब्लॉगिंग अभी स्टार्ट कर लिया है। सो आज मैं एक बहुत ही अच्छा वाला कंटेंट लेकर आई हूँ, जैसा कि टेक्निक्स इस टाइम पे फर्स्ट टाइम स्टोर में क्या होता है ना, कुछ चीज हम लोग को पता नहीं होता है। जैसे कि मुझे भी बहुत चीजें पता नहीं था, तो ऐसे मैंने YouTube पे सर्च किया है, डॉक्टर के पास जाके सजेशन लिया है, मेरा घर वाले जो होते हैं उन लोगों के साथ बातचीत करके उन लोगों से भी बहुत ही उन लोगों भी टिप्स दिया है मेरे को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बहुत ही छोटी छोटी चीज हम लोग के लिए मायने रखते है इस वजह से, क्योंकि प्रेगनेंसी वो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही एक बहुत ही अच्छा मोमेंट रहता है। तो इस वजह से सारे के सारे चीज हम लोग को ख्याल रखना पड़ता है एंड ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि और बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए। क्योंकि फर्स्ट जो 3 महीना रहता है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड महीना, वो बहुत ही नाजुक होता है। उसी टाइम पे क्या होता है ना, मिसकैरेज होने के चांसेस बहुत ज्यादा होता है। कुछ चीज हम लोग को खाना चाहिए, कुछ चीज हम लोग को नहीं खाना चाहिए, पर वो कुछ चीज बाय मिस्टेक के लिए हम लोग को पता नहीं होता है, तो हम लोग खा लेते हैं। उसके बाद हम लोग को क्या होता है, मिसकैरेज वगैरह वो सब हो जाता है एंड बहुत सारा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाता है। तो जैसे कि कुछ चीज मैं आज ऐसे बताने वाली हूँ, जैसे कि हम लोग खाना चाहिए और कुछ चीज ऐसा है हम लोग को नहीं खाना चाहिए। इस वजह से इसी कंटेंट को लेके मैं आज आई हूँ एंड मैं वही वाला कंटेंट आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। जैसे कि मुझे कुछ चीज पता नहीं था एंड वो मैंने मेरा फैमिली के साथ बातचीत ऐसे करती हूँ, पूछती हूँ, वो सजेशन देते हैं, डॉक्टर तो मेरे को सजेशन देते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, तो वो सब मैं फॉलो करती हूँ। तो मेरी जो एक्सपीरियंस है मैं आप लोग के साथ वही ही शेयर करूंगी, ठीक है। सो हम लोग पहला लेते हैं ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में हम लोग क्या करते हैं, बहुत ही हम लोग का मेन थिंग्स पर्टिकुलरली हम लोग ज्यादा फोकस करते हैं ब्रेकफास्ट में, क्योंकि एज ए प्रेगनेंसी आर नॉर्मल एंड कुछ लोग जो डाइट फॉलो करते हैं वो सब मतलब सारे के सारे कैटेगरी आता है, सारे के सारे कैटेगरी में एक ब्रेकफास्ट मोस्ट ऑफ थिंग आता है, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि ब्रेकफास्ट अच्छा जाएगा तो दिन अच्छा जाएगा ऐसा बोलते हैं, बट वो सच है। ब्रेकफास्ट में बहुत ही हम लोग ज्यादा की हेल्दी लेना चाहिए, बहुत ही अच्छा लेना चाहिए। इस वजह से लोग बोलते हैं ब्रेकफास्ट अच्छा रहेगा तो दिन अच्छा जाता है, ठीक है। इस वजह से तो ब्रेकफास्ट में हम लोग क्या करते हैं, बहुत ही हेल्दी लेना चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग बेसिकली प्रेगनेंसी वुमेन्स के लिए बोलती हूँ क्या लेना चाहिए तो क्या लेना नहीं चाहिए। तो सॉरी मेरा फेस में इतना स्ट्रेट आ रहा है, इतना बॉडी में, वो पहला जो वीडियो में मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि मेरा बॉडी में अभी बहुत ज्यादा स्किन ड्राई हो रहा है एंड इचिंग ज्यादा हो रहा है, ठीक है। एंड मेरा अभी क्या होता है ना, गर्मी का टाइम आ गया तो मैं ज्यादा कुछ ब्रेथलेस मुझे लगता है एंड मेरा फेस में ज्यादा कुछ स्वेटिंग है एंड इचिंग होता है, बहुत ज्यादा इचिंग होता है, पता नहीं क्यों, बट ज्यादा कुछ मेरे फेस में स्वेट है एंड इचिंग है। तो बार 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 ऐसे हो ही जाता है, क्या करे, बस ह्यूमन बींग है कितना कंट्रोल करे। बस ऐसा वीडियो शूट कर रही, ठीक है,
बट कुछ चीज जैसे ध्यान रखना पड़ता है, नहीं इतना नहीं जाना चाहिए, बट क्या कर सकते हैं, इतना इच्छी हो रहा है फेस में, क्या कर सकते हैं, सो सॉरी। तो ठीक है, मैं बोल रही हूँ ब्रेकफास्ट के लिए, ब्रेकफास्ट में हम लोग ले सकते हैं ओट्स, ले सकते हैं पोहा, ले सकते हैं एंड जैसे कि बनाना एंड ओट्स का स्मूदी ले सकते हैं एंड बनाना ले सकते हैं, एप्पल ले सकते हैं, ठीक है, एंड जो प्रोमोगेनेट ले सकते हैं वो सब ले सकते हैं। एंड हम लोग क्या करते हैं ना, ब्रेकफास्ट में ज्यादा फ्राइड आइटम बिल्कुल नहीं खाना चाहिए एंड ऐसा बहुत ही स्पाइसी आइटम वो सब कुछ नहीं खाना चाहिए। प्रेगनेंसी 3 महीना जो होता है वो बिल्कुल भी लंच या ब्रेकफास्ट स्नैक्स कुछ भी वो टाइम पे फ्राइड या स्पाइसी वगैरह आइटम नहीं खाना चाहिए। तो आप लोग किनवा ले सकते हो, ओट्स ले सकते हो, आप लोग का रागी का जो आता है रागी, वो आटे के साथ तो चपाती वगैरह रोटी वगैरह बना के वो एक एक ले सकते हो, वो बहुत ही अच्छा आता है। मुझे तो बिल्कुल पता नहीं था बट जो मिलेट बोलते हैं एंड वो मेरे जो डॉक्टर है वो सजेस्ट किया था मुझे वो लेने के लिए, मैं वो भी लेती हूँ। एंड ओट्स का खिचड़ी, ओट्स का नॉर्मल जैसे कि मिल्क डाल के हम लोग खाते हैं, थोड़ा सा शुगर या जागरी कुछ भी डाल के, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स डाल के ऐसे खा सकते हैं, वो भी ले सकते हैं। एंड हम लोग फ्रूट सलाद ले सकते हैं एंड वेजिटेबल जैसे कि बॉइल्ड वेजिटेबल ले सकते हैं एंड कुछ ग्रीन, ज्यादा कुछ वेजिटेबल लेना चाहिए तो वो सलाद वगैरह ले सकते हैं। एंड मस्टर्ड थिंग्स एंड जूस मस्ट आप लोग ले सकते हो, एप्पल का जूस हो सकता है, बनाना और स्मूदी ले सकते हो, मिल्क ले सकते हो एंड बॉइल्ड मिल्क लेना है क्योंकि जो कच्चा दूध भी लोग लेते हैं बट वो बहुत ही हानिकारक होता है प्रेगनेंसी टाइम पे, क्योंकि वो नहीं लेना चाहिए। एंड वो सब ब्रेकफास्ट में आ जाता है। आप लोग बेसन का चीला ले सकते हैं, आटा का डोसा ले सकते हैं, चपाती ले सकते हो, वो सुबह के टाइम पे जो ब्रेकफास्ट के टाइम पे वो सब ले सकते हो। उसके बाद 3 आवर का बाद, क्योंकि हम लोग ज्यादा तो भूखे नहीं रह सकते हैं, भूख ज्यादा लगता है प्रेगनेंसी टाइम पे, सो हम लोग 3 घंटे 2.5 घंटे के बाद हम लोग एक छोटा वाला स्नैक्स लेते हैं। जैसे कि आप लोग को पता होगा फ्रूट्स ले सकते हैं, एप्पल, लाइक जो प्रोमेगेनेट, केला, वो सब आप लोग एक क्यूम्बर एंड गाजर जो आता है वो कट करके वो भी ऐसे खा सकते हो, वो सब लेना चाहिए। उसके बाद एंड आप लोग उसी टाइम पे और कुछ स्नैक्स वगैरह जैसे कि घर में बना होता है जैसे कि पोहा का एक नमकीन आता है वो भी ले सकते हो आप लोग, मुरमुरे थोड़े से ले सकते हो, मुझे पर्सनली मुरमुरे बहुत पसंद है उसी टाइम पे, अब पहले ज्यादा इतना पसंद नहीं था बट अभी मुरमुरे मेरे को इतना पसंद आ रहा है, कभी भी मेरे देखो मैं खा लेती हूँ, ठीक है। एंड वो सब ले सकते हो, कुछ ऐसा बीच में जूस भी बना के पी लो, हाइड्रेट करने के लिए बॉडी को जूस वगैरह पीते रहना चाहिए। एंड आप लोग ORS जो आता है वो पानी पीना चाहिए, वो सब बहुत ही अच्छा होता है। उसके बाद आ गया है हमारा लंच का टाइम पे, लंच के टाइम पे जितना पल्सेस होता है जैसे कि दाल वगैरह वो सब बहुत जरूरी होता है, राजमा आप लोग चना एंड पल्सेस जिस तरह की वो दाल वैरायटी दाल आता है वो सब आप लोग ले सकते हो, वो जरूरी होता है, ले सकते नहीं बहुत ही जरूरी होता है, मैंडेटरी होता है दाल वगैरह लेना, वो दाल ले सकते हो। एंड साग, बहुत सारा साग है, तो ज्यादा कुछ मोस्ट ऑफ थिंग्स वेरी इंपॉर्टेंट इज पालक, पालक का साग वो भी आप लोग ले सकते हो। पालक का साग में बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है, आयरन, कैल्शियम, वो सब हम लोग को बहुत जरूरी होता है प्रेगनेंसी टाइम पे। एंड प्रेगनेंसी टाइम पे बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होता है बॉडी के अंदर, बहुत कुछ चेंजेस हो जाता है, कुछ चीज हम लोग को अच्छा लगता है, जो चीज पहले अच्छा लग रहा था अभी अच्छा नहीं लगता है, कुछ चीज पहले अच्छा नहीं लगता बट अभी बहुत ही अच्छा लगता है, उसी टाइप का होता है। सो आप लोग ग्रीन जो लीफी वेजिटेबल ज्यादा लेना चाहिए, जो ग्रीनरी वेजिटेबल आता है, ग्रीन वेजिटेबल जैसा कि आप लोग होता है ब्रोकली ले सकते हो, ब्रोकली क्वांटिटी कम लेना है क्योंकि विटामिन सी जो है वो नहीं लेना है, जैसे कि लेमन, पाइनएप्पल,
पपीता उसमें बहुत ज्यादा विटामिन सी होता है, तो वो लेना नहीं चाहिए। जैसे कि पोटासियम बहुत जरूरी होता है, पोटासियम लेना चाहिए, जिस अंदर पोटासियम जो वेजिटेबल के अंदर है वो लेना चाहिए। ग्रीनरी वेजिटेबल जैसे कि आप लोग ज्यादा सलाद वगैरह खाना चाहिए, साग वगैरह खाना चाहिए, पल्सेस वगैरह खाना चाहिए एंड वो सब लोग खाना चाहिए। एंड आप लोग ऐसे ज्यादा मसाला एंड स्पाइसी आइटम तो बिल्कुल भी नहीं, फ्राइड आइटम बिल्कुल नहीं, थोड़ा सा ही ऑयल डाल के आप ऐसे सौटे करके बॉईल करके ऐसे खाना है बस, ज्यादा कुछ मसाला नहीं खाना है। बहुत भी केयरफुल एंड बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, इस स्टेज में बहुत नाजुक होता है, थोड़ा सा इधर उधर हो जाता तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। एंड पहले जिस कुछ वोमेंस होता है पहले बहुत मैंने पहले मिस कैरेज हो या मैंने होगा बट अभी भी फर्स्ट कैरी करते रहते हैं, तो उसी वोमेंस को बहुत ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए। तो ऑलरेडी उन लोगों का मिस कैरेज हो गया है अभी कैरी कर रहे हैं, तो उन लोगों को भी बहुत ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए। एंड उसके बाद हम लोग का आता है स्नैक्स आइटम, इवनिंग स्नैक्स। इवनिंग स्नैक्स में आप लोग राजमा का चाट ले सकते हो, चना दाल का चाट ले सकते हो, टोमेटो सूप ले सकते हो, ज्यादा टोमेटो नहीं, थोड़ा सा टैंगीनेस आता है, टैंगीनेस मैंने थोड़ा खट्टा खट्टा वो सब तो लगता है खाने के लिए, बट इस वजह से थोड़ा सा टोमेटो ले सकते हो एंड सूप वगैरह ले सकते हो। एंड ऐसे आप लोग सलाद वगैरह ले सकते हो, बॉइल्ड सलाड, बॉइल्ड एग और सब ले सकते हो इवनिंग टाइम पे। नाइट टाइम पे आप लोग पालक का राइस, जैसे कि आप लोग पालक का राइस भी ले सकते हो, कोल्ड राइस वो सब ले सकते हो, रायता एंड वो सब ले सकते हो। नाइट में जैसा कि किनवा वगैरह, खिचड़ी वगैरह कुछ भी वेजिटेबल डाल के, राइस डाल के, दाल डाल के खिचड़ी बना सकते हो, वो भी ले सकते हो आप लोग एंड बट लाइट खाना है। एंड रात में मिल्क ले सकते हो, वो सब इतना ले सकते हो। एंड क्या नहीं लेना चाहिए, जैसे कि हम लोग को कच्चा पपीता नहीं लेना चाहिए, कच्चा पपीता में बहुत ज्यादा विटामिन सी होता है एंड मिसकैरेज के चांसेस बहुत ही ज्यादा कुछ होता है, एंड इस वजह से बिल्कुल भी कच्चा पपीता नहीं लेना चाहिए। उसके बाद आता है पाइनएप्पल, पाइनएप्पल वो बहुत ही उसमें भी बहुत ही विटामिन सी है, जैसा कि लेमन, लेमन भी नहीं लेना चाहिए, विटामिन सी होता है तो वो भी नहीं लेना चाहिए। विटामिन सी क्या करता है ना, मिसकैरेज के चांसेस ज्यादा बढ़ा देता है, तो इस वजह से वो थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद लेना है, नहीं लेना है कटहल, जो कच्चा कटहल जो आता है, जैकफ्रूट आता है, वो मोस्ट ऑफ लोगों को पसंद आता है, वो सब्जी बहुत ही पसंद आता है, बट वो कच्चे का जो कटहल आता है वो नहीं लेना चाहिए। एंड वन ऑफ ब्रिंजल, ब्रिंजल बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ब्रिंजल क्या करता है ना, ब्रिंजल में होता है जो पीरियड होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाता है, ब्रिंजल ज्यादा खाने से जो पीरियड हो जाता है ज्यादा होने की चांसेस होता है, तो पीरियड होने से मिसकैरेज हो जाता है, तो इस वजह से ब्रिंजल नहीं खाना चाहिए। एंड खजूर जो डेट्स बोलते हैं वो नहीं खाना चाहिए, वो भी हम लोग को पता होगा वो बहुत ज्यादा पेट गर्म करता है। एंड कुछ लोगों को पीरियड नहीं होता तो लोग सजेस्ट करते हैं कि थोड़ा डेट्स खा लो, थोड़ा वो खा लो, तो वो बहुत जल्दी पीरियड का कर लेता है, तो इस वजह से पेट गर्म कर लेता है वो ज्यादा खाना, तो डेट्स भी अवॉइड करना चाहिए, डेट्स नहीं खाना चाहिए एंड वो सब नहीं खाना। एंड कच्चा फिश जो है, फिश एंड नॉन वेज आइटम, चिकन मटन एंड कच्चे मीट वो सब नहीं लेना चाहिए। नॉन वेज आइटम बिल्कुल 3 महीना पर बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। पनीर वगैरह भी थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, बैक्टीरिया वगैरह रहता है तो मतलब वो भी थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। पनीर मटन चिकन फिश वो सब लेना नहीं चाहिए फिलहाल, 3 महीने के बाद ले सकते हो आप, धीरे 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 आप लोग फिश ले सकते हो, बट फिलहाल अभी के लिए तो बिल्कुल वो सब अवॉइड करना चाहिए। एंड बॉइल्ड एग मस्ट लेना चाहिए, तो वो लोग लेना चाहिए। तो सॉरी मुझे थोड़ा ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रहा है ना, ब्रेथलेस लग रहा है, तो इस वजह से मैं बात करने से टाइम पे ऐसे टायर्ड हो जाती हूँ, तो इस वजह से सॉरी।
ऐसा लेना चाहिए और मिल्क लो, पूरा बॉइल्ड मिल्क लो, बिल्कुल कच्चा मिल्क नहीं लेना चाहिए। जो पास्चराइजर मिल्क आता है वो भी लेना चाहिए, उसमें बैक्टीरिया वगैरह रहता है तो वो नहीं लेना चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी टाइम पे बहुत ही केयर रखना पड़ता है, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है, बहुत ही अच्छा फील होता है। तो मेरे पास कोई नहीं है, ठीक है, मेरा हस्बैंड और मैं रह रहे हैं, तो कोई भी नहीं है, फिर भी मैं खुद ही मेरा ख्याल रखती हूँ। उनके साथ बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही फील, मुझे बहुत ही अच्छा फीलिंग्स आ रहा है, क्योंकि मैं खुद ही, मेरा वोमिटिंग वगैरह ज्यादा होता था, अभी तो फिलहाल नहीं है, 4 मंथ्स कंटिन्यू है, बट तो मुझे मेरा ख्याल मैं खुद ही रख रही थी, क्योंकि मेरे पास कोई भी नहीं था। फिर भी वो एक मोमेंट होता है, एक्सपीरियंस होता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो वोमिटिंग वगैरह वो सब तो होता है, फिर भी खुद ही खुद का ख्याल रखना बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि वो डर रहता है कि वो खाने से वो नहीं हो जाएगा, तो वो रहने से वो नहीं हो जाएगा, तो थोड़ा सा डर तो लगता है, तो क्या करे, फिर भी मैनेजेबल मैनेज करके चलना पड़ता है लाइफ में। तो ऐसे सब बस ऐसा ही है, मॉर्निंग एंड ब्रेकफास्ट एंड लंच एंड इवनिंग स्नैक्स एंड डिनर, वो सब मैंने जो जो बताया वो सब लेना चाहिए, और क्या क्या नहीं लेना चाहिए वो भी बता दिया है मैंने। चीज वगैरह वो नहीं लेना चाहिए, कुछ कुछ चीज होता है ऐसे वो नहीं लेना चाहिए। सो प्लीज फॉलो कीजिए, मैं जो बोला वही आप लोग फॉलो कीजिए, मैं भी फॉलो कर रही थी। एंड प्लीज आप लोग मेरे चैनल पे नहीं हो तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए आप लोग का फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ, रिलेटिव के साथ। एंड पास में जो बेल आइकन है वो प्रेस कर लेना, क्योंकि वो प्रेस करने से मैं जो भी वीडियो डालूंगी तो आप लोग के पास पहले जाके नोटिफिकेशन बन जाएगा, ताकि आप लोग के सारे न्यू वीडियो का अपडेट ला सकते हो। सो आप लोग प्रेस करना बेल आइकन को, एंड आप लोग बहुत सारा बहुत ही प्रे कीजिए मेरे लिए, बहुत ही अच्छे से प्रे कीजिए मेरे लिए, बस सब कुछ ठीक ठाक हो जाए एंड सब कुछ अच्छे से हो जाए, हेल्दी बेबी भी हो जाए। एंड बस आज के लिए इतना, मैं भी बहुत ही, मेरा को अभी क्या होता है ना, टायर्ड ज्यादा लग रहा है, इस वजह से मैं थोड़ी थक जाती हूँ, ज्यादा बात नहीं कर पाती, टायर लगता है इस वजह से। तो बस इतना, उसके बाद में क्या होता है ना, इतना टायर्ड लगता है कि अच्छा नहीं लगता, ब्रेथलेस लगता है, तो बात ज्यादा नहीं कर पाती हूँ, तो सो सॉरी एंड थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय, टेक केयर।